दान करते हैं, दान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उनको सुनते सुनाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी सुख संपत्ति और इसी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने और विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि कार्तिक मास सारे मासों में सबसे अधिक प्रिय है। जो सुबह उठकर के तारों की छाव में जो भगवान स्नान करते हैं और तुलसी पीपल वृक्ष और मावला इत्यादि पांच वृक्षों की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं या उनको संरक्षित करते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि हमारा वेद जो है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, वेद आयुर्वेद की कनेक्टिविटी है और इसी से तारतम्य बनकर के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। तो कार्तिक मास के अंदर जो भी भगवान सुबह उठ करके भगवान विष्णु जी का जो भी आपका मूल मंत्र है, जो भी आप जानते हैं मंत्र को, नहीं जानते वैसे देवताओं को नमस्कार करने से, मत्था टेकने से, उनका ध्यान आह्वान करने से अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, अनेक प्रकार के धन धान्य प्राप्त हो जाते हैं। जो भी गृहस्थी परस्थी सन्यासी युवा वृद्ध जो भी जैसे भी सामर्थ्य हो सुबह सुबह उठ करके ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ऐसे आदि आदि मंत्रों का जाप करते हैं और सुनते हैं सुनाते हैं, उनका स्वतः कल्याण हो जाता है। गीता में बताया गया है, वेद रामायण में सभी जगह बताया गया है। तो आइए सबको बहुत बहुत कार्तिक मास की मंगलमय कामनाएं, पूर्णमासी को यह संपन्न होगा यथासंभव हो सके, जैसे कि धर्मशास्त्र में बताया गया है आप जो स्नान करने के बाद पूर्णमासी के दिन कुछ न कुछ जैसे भी आपकी सामर्थ्य है आप दान करें, वृद्धजनों को नमस्कार करें, प्रणाम करें, बड़े बड़ों को दान करें, ब्राह्मणों गरीबों को दान देकर के भंडारा करवाएं, जो भी आपकी समर्थ है मेरा ऐसा मानना है। सभी को मंगलमय कामनाएं, जय माता की, जय माता की। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात्।